यहाँ पे अभी तो पूरा घूम लिया मैंने, तो अभी नेक्स्ट जाना है मेरे को बाला फोर्ट, जो कि है कुछ वहाँ ऊपर। बाइक जाती है तो राइड करके जाएंगे, तो फिर वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। भाई खत्म है रोड भाई। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ बाला किला के एंट्रेंस पे। ये है एंट्रेंस और वो रहा ऊपर में बाला किला। बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ से सिर्फ फोर व्हीलर अलाउड है, कोई टू व्हीलर आप लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अंदर चीता वगैरह बहुत है, तो ताकि वो लोग अटैक वगैरह ना करें, सिक्योरिटी रीजन से टू व्हीलर और थ्री व्हीलर अलाउड नहीं है। और गवर्नमेंट का उनका सफारी जीप है, वो आप हायर करके जा सकते हैं, जो कि 1300 रुपया पड़ेगा सिर्फ हायर करने के लिए। और उसके बाद आप जितने लोग जाते हैं पर पर्सन 20 रुपीज़ पड़ेगा आपको, और आपको वो घुमा के लेके आएंगे विद गाइड। अभी तो मैं अकेला हूँ तो कोई है भी नहीं, तो इतना पैसा देके कुछ मतलब नहीं बनता इतना ऊपर जाने का। और ऊपर से सुनने को भी आया कि अभी बाला किला फोर्ट बंद है, क्योंकि कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। अभी जाऊँगा तो सिर्फ वही फॉरेस्ट रेंज वगैरह घूम के आ पाऊँगा। तो बाला हो गया शैतान का साला। A few moments later. तो गाइस यहाँ का प्लान तो मैं कैंसिल करने ही वाला था, बट चार लोग मिल गए मेरे को, बाइक से आए हुए थे, वो भी ऐसे ही टहल रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं, तो मैं बात करने लग गया उनसे। तो हम लोग 5 लोग मिल के प्लान कर लिए, तो एक सफारी बुक कर लिए, तो उसमें अभी जा रहे हैं हम लोग। यही होता है जब आप सोलो ट्रिप में निकलते हो और रास्ते में कोई ना कोई हम सफर मिल ही जाता है। तो गाइज इस जंगल के अंदर एक करनी माता का मंदिर है, तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ से कुछ 118 सीढ़ी नीचे उतर के जाना पड़ेगा। डैम होगा ना, डैम टाइप टाइप में होगा। अभी इसकी दीवार टूटनी थी, इसमें पानी नहीं रुकता है। मैंने मैंने भाई ऑफ रोड जा रहे हैं नीचे। मैंने कोई क्या था, ये नीचे क्या है, डैम है? डैम था पहले, डैम था पहले राजाओं के टाइम का, करनी सागर रैन हार्वेस्ट, जो कि अभी सूख गया है। ये पेड़ मस्त दिख रहा है मेरे को, समय का वाटर रैन है, ये पेड़ मस्त दिख रहा है। रेन हार्वेस्टिंग पानी रुकता होगा यहाँ से ना। हाँ उधर कुछ है यार, पेड़ अरे वो देख रहे हो, वो देख यार, मोर मैंने ये दिया वो दिया सही हो गया। मैं मोर तो मुझे घटोरी में, पुरुष मोर है, मेल है फीमेल है हमारा, को पुरुष है वो। नीचे भी देखो दो आया हुआ, पिछवाड़े में कुछ है नहीं, बताओ फटन रहे मोर पकड़ ले साले को, जैसे मार देखो, जाड़ी 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 तू लग गया जस्ट भाई। खत्म है रोड भाई। हां
पता था ना, अंदर ही ले गए भाई। ये देख लो डैम, दिस इज द डैम, दिस इज द डैम डैम, दिस इज द डैम। ये पेड़ मत लगा रहे हो, भूतिया पेड़ शाम के भाई यार। अब हो गया ऑफ रोड। ओए 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 गाइज़। अभी हम पहुंच गए बाला फोर्ट। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे तो काम चल रही है, तो जो थोड़ा बहुत काम नहीं चल रहा है वहाँ पे घूम सकते हैं। तो अभी वहाँ पे चल रहे हैं। तुम्हारी आ रही है कैमरा तुम्हारी तरफ जाना। हाँ पता है, अब कर दिया इसमें वो जो दीवारें हैं। आप कितना किलोमीटर बोले थे? 11 किलोमीटर। बट मैंने पढ़ा था कि 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर इसकी दूरी है दीवार से उस दीवार तक। अच्छा, दक्षिण से पश्चिम। अच्छा, 3 किलोमीटर और ऐसे 1.5 किलोमीटर चौड़ाई। अरे अंदर कुछ चल रहा है। 11 किलोमीटर लंबी चारों तरफ। ये बाला किला है जो 1049 का बना हुआ है। 1049 का बना हुआ है। हाँ, और किसने बनाया था इसको? अलगुराई जी ने 1049। अलगुराई इसमें रिनोवेट का काम चल रहा है, इसलिए इसको क्लोज किया हुआ है। इस तरफ ये 1049 का मंदिर बना हुआ है जो सीताराम जी का मंदिर है। प्रवेश निषेध, कार्य प्रगति पर है। तो गाइस अभी एक छोटा सा ट्रेकिंग करके जा रहे हैं गाइड के साथ। बता रहा है कि किला दिखाने लेके जा रहा है, पता नहीं कौन सा किला है, या दूर से शायद किले का व्यू दिखेगा, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो पार्क जैसा दिख रहा है मेरे को। कोई मंदिर है यार यहाँ पे। हनुमान जी की मंदिर है। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं व्यू पॉइंट पे। ओ हो 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 हो, क्या जगह, ओ क्या ठंडी हवा आ रही है भाई। ये तो अब
अपने जहाँ से गाड़ी की है ना वहाँ से 1 किलोमीटर भी जाएंगे, ठीक है। इस तरफ है फोर्ट, आप देख सकते हैं जो फोर्ट का दीवारें हैं इससे गया है और ऐसे ही कुछ 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ से पूरा अलवर का शहर दिख रहा है। ये मुंशी महारानी छतरी जो आप पढ़ते हुए आए हो, ये सागर जलाशय है, ये सिटी पैलेस है और ये पूरा शहर। वो करनी माता का मंदिर है शायद? नहीं, करनी माता का तो होया है। ये वो कौन सा मंदिर है? ये धोली धोली छतरी बोलते हैं, ये पैदल का रास्ता है जो सिटी से आ रहा है। मुंशी महारानी की छतरी तो अभी होके आया हूँ मैं वहाँ से, वहाँ पे सिटी पैलेस और वो दो घूम के आया अभी मैं। वहाँ पे वो जो छतरी दिख रहा है ना उसके सामने है, उसके सामने है सिटी पैलेस। जो कि प्राइवेट कार से भी कोई आएगा तो ये सब नहीं घूम पाएगा। और इसमें देखो टाइगर, प्राइवेट कार में बंदा यहाँ तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ये तो पता नहीं होगा ऊपर से इस रास्ते कोई जाएगा भी नहीं। इसमें गाइस ये सब जगह आप सफारी लोगे तो ही आ सकते हो, प्राइवेट में यहाँ पे नहीं आ सकते। रात में निकलते होंगे तेंदुए वेंदुए जो। हाँ बिल्कुल भैया, आई थिंक यहाँ से 5 बजे के बाद नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ये आप लोग आते हो? ये 5 बजे लास्ट सफारी आती है अंदर, जो 6:30-7 बजे तक, 3:30 बजे प्राइवेट व्हीकल बंद कर दिए जाते हैं। ऊपर वाले जो बंदे वो नीचे आ जाते हैं क्या? मजदूर मजदूर वहीं रहते हैं? वो वहीं रहते हैं, वो तो रहते हैं। अरे पानी की नहर, पानी की नहर है। अच्छा, जो पहले राजाओं ने अपना जो यहाँ का जितना भी वाटर रैन हार्वेस्टिंग के लिए नहर बनाई थी। अच्छा, जो सारे पहाड़ों का पानी स्टॉक हो करके okay. इस नहर में स्टॉक होके आगे सूरज कुंड है जो उसमें फुल स्टॉक हो जाता था वो। अच्छा, तो वो पूरे साल भर ये काम आती रहती थी। पूरे ये से कई रैन हार्वेस्टिंग यहाँ पूरे जंगल में कई रैन हार्वेस्टिंग है जो बने हुए हैं। अच्छा, इसमें से 3 आप देख चुके हैं। हाँ जी, और 3-4 देख चुके हैं और 3-4 और इसमें जहाँ पर जा नहीं सकते। ये तो स्टेप वेल दिख रहा है। भाई देख रहे हो जंगल के अंदर भी स्टेप वेल बना हुआ है, बावड़ी। पानी स्टॉक के लिए थी राजाओं के समय। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बारिश का पानी बह के आके यहाँ पे स्टोर होता था जिसमें अपन चल के आए। ये भी नहर थी, इसके बाद इसका बाउंड्री वाल थी जिनके कहीं कहीं बीच में वो जो है वो गार्ड रूम है जहाँ पे सैनिक रहते थे, ये पूरा इसकी रखवाली करने के लिए। तो गाइस बालाफोर्ट पे तो घूम के आ गए हम लोग। वैसे बालाफोर्ट तो बंद था तो ज़्यादा घूम नहीं सके, बट जो अरवली हिल्स के ऊपर जो हम लोगों ने एक्सपेडिशन की वो कुछ बेहतरीन था। तो बस उसके बाद भाई लोग चले गए अपना सिटी पैलेस घूमने के लिए और मैं सोचा कहीं और घूमने निकलूँ, क्योंकि नंदेश्वर श्राइन जाने वाला था मैं। वो जगह यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूरी पर है, तो ऑब्वियसली आज तो 5 बज चुका है, जा नहीं सकूँगा।
तो होपफुली कल जाऊंगा मैं उसको। तो बस यहीं तक था आज का दिन। अगर आज का व्लॉग, आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड गिव द सजेशन इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बैकपैक एंड आई। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं कल किसी और जगह पे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।